कुछ भाई हैं और गाड़ी की सेटिंग नहीं आती। गाड़ी पे जब बजाते हैं तो कहते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा कैसा बज रहा है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा तो फ्रेंड्स, आज हमने ये गाड़ी बांधी है और शादी है, लगन है भाई की एक, तो दिखाते हैं आपको सेटअप। तो देख सकते हो सेटअप, 7.5 का जनरेटर है ये और 3 15 इंची, 2 12 इंची, 1 20, ठीक है। और ये 4000 वाट एम्पलीफायर, 1200, 5 किलो वाट स्टेपलाइजर, तो ये वायरिंग है जो हमने एक साइड से ली है। तो कुछ भाई हैं और गाड़ी की सेटिंग नहीं आती। गाड़ी पे जब बजाते हैं तो कहते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा कैसा बज रहा है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो आप धरती पर टेबल लगा के रख के बजाते हो कहीं पर, तो वो सेटिंग आप ध्यान रखो कि मैं कितने पर सेट करता हूँ और उसी हिसाब से आप सेटिंग करो अगर गाड़ी बांधते हो तो। और वैसे अगर सेटिंग करोगे तो भाई समझ में ही नहीं आएगा, आवाज़ भी फाड़ेगा सिस्टम, गाड़ी में बंधा होगा, ज़्यादा आवाज़ खोलोगे कोई से की। और जनरेटर तो पास में होता है ये, और जनरेटर की आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा तेज़। इसलिए आप जो सेटिंग धरती पर रख के बजाते हैं और वहाँ पे जितना मतलब अच्छा बजता है आपका सेटअप, उसी हिसाब से आप सेटिंग करो गाड़ी पे जब बांधते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छा चलेगा। मैं भी ऐसे ही बजाता हूँ, जैसे कि मैं धरती पर रख के बजाता हूँ टेबल लगा के, यहाँ पे कहीं शादी में जाते हैं तो वहाँ पर जब बजाते हैं उसी हिसाब से जब गाड़ी बांधता हूँ तो उसी हिसाब से सेटिंग करता हूँ मैं। तो भाई कैसे भी मतलब बांधो, धमाका कर रहा होना चाहिए कहीं पर अगर खड़े हो जाओ तो। तो जनरेटर है ये 7.5 KV का और स्टेपलाइजर हमने लगा रखा है 5 KV का, ठीक है। और लोड हो रहा है हमारा सेटअप का, ये सेटअप लगा है इस पर, ये सेटअप का लोड हो रहा है हमारा 5 KV, ठीक है। तो आप जब भी अगर कोई गाड़ी बांधो यार, तो फालतू मतलब ना लगाएं कोई चीज़, और उसके लोड के हिसाब से मतलब आपका सेटअप होना चाहिए जनरेटर के लोड के हिसाब से। अगर आपने सेटअप ज़्यादा लगा रखा है गाड़ी में और जनरेटर 7.5 का लगा रखा है, स्टेपलाइजर 5 का लगा रखा है और ज़्यादा सेटअप बांध रखा है, डबल बेस या 4 15 4 12 ज़्यादा सेटअप लगा रखा है, तो आपका मतलब नहीं मज़ा आएगा और करंट पूरा नहीं कर सकते, तो भाई उतना सिस्टम मत बांधो, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें नाम ख़राब होता है, तो आप जितना करंट दे सको उतना मतलब सेटअप बांधो, तो नाम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़्यादा दिखावा ना दिखाएं और सेटअप बढ़िया रखें, कम रखें मगर अच्छा बजे। कहते हैं कि भाई आवाज़ नहीं दे रहा है कि बेस नहीं दे रहा है, कहाँ से देगा आपका मतलब, आप करंट ही पूरा नहीं कर सकते उसका। तो ये 5 किलो स्टेबलाइजर, ये भाई साहब सक्सेसफुल नहीं हो इसमें। अगर 10 किलो वाट चलाओगे, 15 किलो वाट चलाओगे, तब आप कुछ कर सकते हो और मतलब अच्छा चला सकते हो, वरना नहीं चलेगा आपका, क्योंकि ये करंट कम कर जाते हैं और सुई इसकी हिलने लगती है और डाउन हो जाती है बिल्कुल। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, मिलता हूँ अगली वीडियो में।